हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से नए टेक न्यूज़ के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी टेक न्यूज़ को। सबसे पहली खबर आ रही है यहाँ पे रियलमी की तरफ से, और रियलमी 9 प्रो की पूरी स्पेसिफिकेशन बाहर आ गई है। 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 695G वाला प्रोसेसर, और भी 64 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh बैटरी वगैरह की चीज़ इसके अंदर है। बट मेन चीज़ है प्रोसेसर, इतना वेट कराया और 695 प्रोसेसर दिया, क्या भाई क्या बोलूँ। अब चलो खैर छोड़ो, आए बात देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है। अगली बार आ रही है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग S22 प्लस, ये बताया जा रहा है कि S22 के तरह ही होगा सेम डिज़ाइन के अंदर, बट इसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए। जैसे कि इसके अंदर होगी 17500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, मतलब ये तो भाई 16 के नज़दीक भी लेकर जाओगे तो आप फोन को, तब भी आपको पूरा डिस्प्ले एकदम क्लियरली देखेगा। और इसके अंदर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग और 4500 mAh की बैटरी है। और भाई प्रोसेसर जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि एक्जिनोस का 2200 वाला प्रोसेसर हो, जो कि 30 प्रोसेसर है। एक और खबर आ रही है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग गैलेक्सी टैब 8 सीरीज़ के जो है स्पेसिफिकेशन बाहर आ गए हैं। तो इसके अंदर है 12.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, और किसी के अंदर 14.6 का है, और इसके अंदर है 8 जनरेशन वन स्नैपड्रैगन का। ये तो फ्लैगशिप वाला टैबलेट है यार, अपने बस का नहीं है, इससे अच्छा तो हम आईपैड ना ले लें उस प्राइस पे। और भी इसके अंदर कुछ 13 MP 8000 mAh बैटरी, 10000 mAh बैटरी, अलग अलग है। एक में तो 11000 mAh की बैटरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और ये होगा भी बहुत ज़्यादा प्राइस का। अगली खबर आ रही है यहाँ पे वन प्लस की तरफ से, और वन प्लस 9 कल इंडिया के अंदर फाइनली लॉन्च हो गया है, और इसकी प्राइस भी बाहर आ गई है, जो कि है 43008 GB वाले की। तो भाई उसके यही प्राइस पर जो इनका एक और फ़ोन बैठा हुआ है वन प्लस 9R, जो कि 888 के साथ आता है, और ये 870 के साथ है। तो देखिए क्या ही बोले, अब दोनों कन्फ्यूज है, लड़ो जिसको जो लेना है लो। एक और खबर आ रही है वन प्लस की तरफ से, और वन प्लस 10 सीरीज इंडिया के अंदर काफ़ी जल्दी ही आने वाली है, ये जो अपने BIS सर्टिफिकेशन पर लीक हो गया है, तो काफ़ी जल्दी ही ये आने वाले हैं इंडिया में। अगली खबर आ रही है आईक्यू की तरफ से, आईक्यू 9 सीरीज की पूरी स्पेसिफिकेशन बाहर आ गई है, और वो कैसे आई है, यूट्यूब के वीडियो पे इसकी ऐड चल रही थी, और उन्होंने खुद ही पूरी स्पेसिफिकेशन बता दी है, लीक करने की जरूरत ही नहीं। वैसे तो हमको सब पहले से पता था, 8 जनरेशन वन का प्रोसेसर है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग है, हाइपर चार्ज है इनका भी, याद रखना। और इसके अंदर वो कुछ इनका देखेंगे लिक्विड कूलिंग सिस्टम है वगैरह वगैरह चीज़ें, और इसके अंदर गिम्बल भी होगा, ऐसा बताया जा रहा है कैमरे के अंदर। नाइस, दिखने के लिए तो अच्छा लग रहा है, देखते खैर अभी कौन से प्राइस पे इंडिया में आता है। अगली खबर आ रही है यहाँ पे ओप्पो की तरफ से, और ओप्पो रेनो 7 जो है इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लीक हो गया है, और ये काफ़ी जल्दी इंडिया के अंदर आ जाएगा। जब इस सर्टिफिकेशन पे कोई लीक होता है कोई फ़ोन, तो इंडिया के अंदर 1 से 1.5 महीने के अंदर वो फ़ोन लॉन्च हो जाता है। देखते हैं 22 की स्टार्ट में ओप्पो क्या क्या करता है। अगली बार आ रही है यहाँ पे शॉमी की तरफ से, और शॉमी K50 सीरीज की स्पेसिफिकेशन बाहर आ गई है। तो K50 गेमिंग के अंदर है 8 जनरेशन 1 और 6.67 इंचेस की डिस्प्ले है, और है कुछ भी 4700 mAh की बैटरी, और इसके अंदर साइड माउंटेड फिंगर स्कैनर है। और K50 प्रो के अंदर डायमेंसिटी 9000 वाला प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, इसके अंदर भी साइड माउंटेड है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और K50 के अंदर 870 वाला प्रोसेसर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, मेरे को ये वाला फोन सबसे ज़्यादा पसंद है K50। क्या देखते हैं इंडिया के अंदर शॉमी बन के आता है या फिर पोको बन के आता है। तो बस आज की टेक्निक बस इतना था, अगर टेक्निक पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के ग्रे करो, इसको नहीं जो नीचे दिख रहा है स्क्रॉल करो, और जल्दी सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।